गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सेंटेंस के जो पार्ट बच गए थे आज उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि सेंटेंस जो हम लोग पढ़े हैं नियडिम सेंटेंस तक पढ़े हैं, तो उसके आगे देखते हैं कौन कौन सा भेद जो है उसका बाकी रह गया है, आज उसी का हम लोग रिविज़न करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं किसे, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो ये सेंटेंस दैट मेक्स ए क्वेश्चंस कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहा जाता है क्या कि एक ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन बनाता है, यानी प्रश्न। ऐसा क्या बनाता है, प्रश्न। जैसे हम किसी से पूछते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, प्रश्न हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रश्न। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि ये जब भी आएगा तो ये अपने नियम का पालन करते हुए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स को ले करके आता है। तो ये जो होता है क्वेश्चन मार्क्स, उसका जब सेंटेंस अंत होता है तो उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क्स का उपयोग ज़रूर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या है। तो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसलिए हमेशा सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का हम लोग उपयोग करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर यू ए डॉक्टर, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम एक डॉक्टर हो, ये क्या हो गया, प्रश्न। क्योंकि हम जब भी किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ जो है कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ जो है हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स का उपयोग करते हैं। इज ही ए थिप, क्या हुआ, एक चोर है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन के बारे में जो है किसी दूसरे व्यक्ति से हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, एक चोर है। नेक्स्ट अब आते हैं जिसका नाम है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, इसका उदाहरण क्या है। तो ये सेंटेंस दैट मेक्स एक्सप्रेस एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड प्रोपोजिशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। कहता है एक ऐसा वाक्य जो क्या प्रकट कर रहा है, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है समान, यहाँ सलाह हो जाता है, एडवाइस का मतलब सलाह। ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट किसी से अनुरोध कर रहा है, सजेशन किसी से सलाह ले रहा है, एंड प्रोविजन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। पता है ऐसा वाक जिसमें किसी से हम सलाह लेते हैं, किसी पर नियंत्रण रखते हैं, किसी पे का आदेश लेते हैं, अनुरोध करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बनावट के नियम कहते हैं, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का पहला रूप के साथ जो है ऑब्जेक्ट आता है। उदाहरण के लिए, वहाँ जाओ, गो देयर, यानी कहा जा रहा है क्या कि वहाँ जाओ। यहाँ देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है, उस पर इसका कमांड है ना, इसलिए ये बोल रहा है क्या कि गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कम ईयर, यहाँ उसको बुला रहे हैं तो उस पर हमारा अधिकार है, इसीलिए हम अधिकार दिखाते हुए उसको यहाँ बुला रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा नियम हो गया बनाने का। फर्स्ट है डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो ये जो है यहाँ पर जो आदेश दिया जा रहा है वो करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वहाँ मत जाओ। नेक्स्ट, झूठ मत बोलो, उसे सिखाया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि झूठ मत बोलो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्लीज प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए रिक्वेस्ट का काम हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज के साथ जो है वी वन आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो लिखेंगे कृपया समय पर आए, यहाँ अनुरोध किया जा रहा है कि प्लीज कम ऑन टाइम, कृपया समय पे आए। कृपया सच बोलें, ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है जब भी बोले तो सच बोले, तो प्लीज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट में आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्री ब्लेस एंड क्रस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहता है एक ऐसा वाक्य जो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, श्राप दे रहा है, वो हमारा क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसका भी स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मे का इसमें इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट जिसको कर्ता कहते हैं वो आएगा, फिर क्रिया का पहला रूप, उसके साथ अदर वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीर्वाद दें। यहाँ जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, किसी को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि जो है प्रभु आपको आशीर्वाद दें, ये हम प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट मे यू लिव लॉन्ग, कहता है आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, यहाँ हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तीसरा हम देखें मे यू डाई सून, आप जल्दी मरे, यहाँ उसको श्राप दे रहे हैं। तो समझ में आ गया, एक में जो है आप किसी के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे में जो है आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और तीसरा में जो है आप क्या कर रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं। तो नेक्स्ट ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जॉय सोरो हैप्पीनेस एंड इंटरनल फीलिंग ऑफ आवर माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें हम लोग उत्साह, दुख, खुशहाली और अंदर से जो हमारा फीलिंग होता है, जो हम अनुभव करते हैं अपने दिमाग से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एंड प्लस नाउन ऑब्लिक एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जैसे हम लेते हैं व्हाट ए कार, क्या कार है, यहाँ जो है क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को बता रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, यहाँ दोनों चीज को हम लोग दिखा दें। अब जो है दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हाउ एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब ऑब्लिक एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हाउ ब्यूटीफुल राधा इज, राधा कितनी सुंदर है, यानी अपनी फीलिंग को बता रहे हैं कि राधा जो है बहुत ही अंदर से जो हमारे अंदर जाग रहा है वो बता रहे हैं कि राधा जो है कितनी सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाउ फास्ट पांडे प्लेस, पांड्या कितना तेज खेलता है, यहाँ जो है बताया जा रहा है कि पांड्या जो है बहुत ही तेज खेलता है। अब हमारा आता है एम्पैथिक सेंटेंस जो कि लास्ट है, तो एम्पैथिक सेंटेंस है क्या, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एम्पैथिक आइडिया इज कॉल्ड एम्पैथिक सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्या कर रहा है, अपने साथ उसको लेकर के आ रहा है, यानी हमारे जो विचार है उसको लेकर के आता है, उसी को हम लोग एम्पैथिक सेंटेंस कहते हैं। डू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। डू गो देयर, वहाँ अवश्य जाओ, यहाँ कहा जा रहा है क्या कि कोई भी चीज़ को निश्चितता के आधार पर बताया जा रहा है कि वहाँ अवश्य जाओ, आखिर हो सके वहाँ कुछ खास चीज़ है, वहाँ से कुछ आपको सीख मिले, इसीलिए यहाँ जो है बोला जा रहा है कि आप वहाँ अवश्य जाओ। नेक्स्ट है डू स्पीक द ट्रूथ, सच अवश्य बोलें, यहाँ प्रेरित किया जा रहा है कि आप जो है सच जरूर बोलें, झूठ मत बोलें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है, आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता ही तो हूँ, यहाँ बोला जा रहा है कि हम तो अंग्रेजी बोलते ही हैं। यू डू वर्क हेयर, तुम यहाँ काम करते ही तो हो, इनको आता है अचानक से कहता है क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, तो उसमें होता है क्या कि आप कर ही रहे हैं, तो उसी को जानकारी दिया जा रहा है कि तुम तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ काम करते ही तो हो। तो ये हमारा हो गया एम्पैथिक सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर पूरा। अब तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ जो है सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। यू डिड राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते ही तो हो। नेक्स्ट
आई डिड वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता ही तो हूँ। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, इम्पैथिक सेंटेंस हो गया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे।